में पहुंचेगा, साथ में कोरोना भी पहुंच जाएगा। मुंबई भी कोरोना का बड़ा एपिसेंटर बना हुआ है। आपको दिखा रहे थे हम महाराष्ट्र में जितने केसेस हैं उसके 80 से 90% केसेस मुंबई में, वहां पर भी अभी कोई राहत नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र प्रशासन ने अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं किया है, लिहाजा मुंबई में दुकानदार भी कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें क्या ना करें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सर्कुलर जारी करके देश के छोटे दुकानदारों को छूट दी है, राहत की बात है, लेकिन अभी भी दुकानदार कुछ चीजों को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। ऐसे में मुंबई शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी मार्केट में दुकानें खुली हुई नहीं नजर आ रही। इस वक्त मैं मुंबई के दादर इलाके में मौजूद हूं और यहां की तस्वीर आपको दिखाता हूं। आप देखिए, यह दादर मार्केट है और यहां पर लाइन से जितनी भी दुकानें हैं तमाम दुकानें बंद हैं। कुछ दुकान के कर्मचारी, कुछ मालिक छूट मिलने की जानकारी मिलने के बाद आए जरूर हैं दुकान पर, लेकिन दुकान के बाहर खड़े हैं या दुकान के पास बैठे हैं क्योंकि उन्हें अभी भी कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूजन है, असमंजस की स्थिति है। क्या असमंजस है, क्या जानना चाहते हैं हम इन कुछ दुकानदारों से बात करते हैं। सर बताइए, आपकी किस चीज की दुकान है? नहीं, अपना तो मोबाइल रिचार्ज वगैरह का दुकान है, लेकिन तो हमने भी वही लगा था कि आज खुलने वाला, लेकिन अभी इधर आने के बाद तो सब बंद ही दिख रहा है। तो अभी क्या करने का कुछ कंफर्म नहीं है। गृह मंत्रालय बोलता है खोलने का, अभी प्रदेश का कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आते, तो ऐसे में खोले ना खोले वो समझ में नहीं आते। क्या इस बात को लेकर चिंता है कि अगर केंद्र सरकार के सर्कुलर के बाद आप लोग खोले और अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सीधे तौर पर कोई आदेश नहीं आए तो कोई कार्रवाई हो सकती है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो बहुत बड़ा तकलीफ है कि अगर जब तक महाराष्ट्र सरकार नहीं बोल रही, अगर खोलेंगे किसी प्रकार का तकलीफ हो तो क्या करेंगे। और क्योंकि अभी अपना कैसा है, सब ब्रांड भरना है, सब खर्चे चलाने हैं, सब बहुत तकलीफ है। तो इस पे जरूर महाराष्ट्र सरकार को भी सोचनी चाहिए और केंद्र सरकार को भी जो भी स्टेटमेंट जारी हो रहा है क्लियर स्टेटमेंट आना चाहिए ताकि किसी को कन्फ्यूजन न रहे और जो भी काम करना है लोग अपने काम करना चालू करें। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो कंटेनमेंट जोन है, जो रेड जोन वाले इलाके हैं वहां पर दुकानें नहीं खुलेंगी। बाकी प्रदेश सरकार अपनी सहूलियत के हिसाब से कारोबारियों को ध्यान में रखते हुए ये फैसले ले सकती है। लेकिन वही तो अभी, लेकिन प्रदेश सरकार को बोलना चाहिए ना केंद्र को क्या पैसा स्टेटमेंट जारी करो, बट अभी तक जब प्रदेश सरकार नहीं बोल रही है तो ऐसे में क्या करे उसका कुछ कन्फर्मेशन नहीं आ रहा है ना। दुकानें खुलेंगी या बंद रहेंगी, भोपाल से लेकर इंदौर और उज्जैन में इसको लेकर दुकानदारों में काफी कंफ्यूजन दिखा। आज भोपाल में कोई दुकान नहीं खुली है। लॉकडाउन के 32 दिन पूरे हो जाने के बाद जनता को कुछ राहत तब मिलती नजर आई जब होम मिनिस्ट्री के एक आदेश से उन्हें लगा कि पूरे देश में तमाम शहरों में दुकान खुलती नजर आएंगी, लेकिन आदेश में क्लियरिटी ना होने के चलते कंफ्यूजन के हालात बन गए। इस वक्त मैं भोपाल के एमपी नगर इलाके में हूँ जहाँ तमाम दुकानें अब भी बंद हैं जबकि ये इलाका जो है कंटेनमेंट जोन में नहीं आता है। दरअसल आदेश में जो कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड आदेश जो एमएचए की तरफ से आया उसमें जो लिखा गया है कि चाहे वो रूरल और अर्बन एरियाज जो हो उनमें सिर्फ वही दुकानें खुलेंगी जो कंटेनमेंट क्षेत्र में नहीं आती है। लेकिन सवाल जो है कंफ्यूजन की हालात इसलिए यहां पैदा हो गए क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो तकरीबन 12 जो जिले हैं वो रेड जोन में आते हैं जिसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, होशंगाबाद ये तमाम शहर हैं, लेकिन इनके अंदर कंटेनमेंट क्षेत्र भोपाल की बात करूं तो तकरीबन सिर्फ 186 इलाके कंटेनमेंट क्षेत्र में है। तो सवाल खड़े होते हैं, कंफ्यूजन यही पैदा होता है कि पूरा भोपाल जिला जो रेड जोन में आ रहा है क्योंकि यहां पर 360 से ज्यादा मरीज मिल गए हैं, तो क्या ये पूरा भोपाल जिले की दुकानें जो हैं वो आदेश के मुताबिक बंद रहेंगी या सिर्फ इस जिले में जो कंटेनमेंट क्षेत्र तकरीबन 184 सिर्फ वही क्षेत्रों की दुकानें बंद रहेंगी और आसपास के जो गांव हैं वहां पर दुकानें खुलेंगी। यही हालात तकरीबन इंदौर में भी रहे, ऐसे ही कंफ्यूजन के हालात उज्जैन में भी दिखाई दिए जहां पर कोई भी दुकानें नहीं खुली। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम जो बाजार है इस वक्त पूरी तरीके से बंद है। हालांकि समीक्षा बैठक जो है वो चल रही है प्रशासन और जो सरकार है और देर शाम तक आने की जो आदेश आने की उम्मीद है जिसके बाद ये स्थिति क्लियर हो पाएगी। देखिए, कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए है क्योंकि गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो राज्य सरकारों को अपने यहां की स्थिति को आंकते हुए उस पर फैसला लेना है और अभी कई जगहों से ऐसी खबर है कि शाम तक फैसला राज्य सरकारें लेंगी। केंद्र सरकार के आदेश के बाद बिहार की राजधानी पटना में कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें तो खोली लेकिन कोरोना का खौफ ऐसा कि एक भी ग्राहक नहीं आया। नीतीश चंद्र की रिपोर्ट देखिए।
दुकानों को खोले जाने को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से जो आदेश जारी किया गया उसके बाद पटना में क्या स्थिति है हम आपको दिखा रहे हैं। पटना का ये बोरिंग रोड है और आप देखें अधिकांश दुकानें अभी भी बंद पड़ी हुई हैं। अभी भी वो दुकानें नहीं खुली हैं जिनके बारे में ये कह दिया गया है साफ साफ कि वो अब दुकान खोल सकते हैं, लेकिन कुछ दुकानें जरूर खुली हैं। आप जैसे देखिए ये चश्मे की दुकान है, ये दुकान अभी खुली है कई दिनों के बाद, लगातार बंद था, बहुत दिनों के बाद आज खोला आपने। पहली बार खुले ही हैं एक घंटा पहले। अच्छा। और सुबह में जो आदेश गृह मंत्रालय का था इसी के अनुसार हम लोग खोले हैं और हम लोग भी आधा घंटा बंद बाद बंद करके चले जाएंगे। आधे घंटे ही क्यों खोलेंगे? इसलिए कि बाजार तो है नहीं और यहाँ बैठना भी ठीक नहीं है और हम लोग सस्पेंशन में है, दुकान खुले या न खुले। अच्छा। अभी हम लोग को पूरी तरह से कंफर्म है नहीं। तो दुकानदार भी कह रहे हैं कि बहुत चीजें अभी स्पष्ट नहीं है और यही कारण है कि आप देखें बहुत सारी दुकानें बंद है। अब जैसे ये किराने की दुकान है ये पहले ही से आदेश था, दवा की दुकानें हैं ये पहले ही से दुकान खुली हुई रहनी थी। अब यहाँ पर एक नई दुकान जो दिख रही है ये देखिए, ये एक प्लास्टिक के चेयर की दुकान है और ये दुकान आज बहुत दिन के बाद खुली है। हाँ, ये बताइए कि आज जो गृह मंत्रालय की तरफ से जो कल आदेश आया उसके तहत आपने दुकानें खोली हैं? हाँ। अच्छा, तो कस्टमर है अभी? कुछ नहीं, अभी एक घंटा हुआ खोले। हाँ? एक घंटा हुआ है। अच्छा, सफाई किए हैं, बैठे हुए बंद करके जाएंगे। अच्छा, क्यों बंद क्यों कर देंगे? क्या करेंगे, तो कस्टमर ही नहीं है। अच्छा, तो और जो सुरक्षा को लेकर बातें कही गई है उसका भी ध्यान रख रहे हैं ना? जो आदेश हुआ है लगा कर बैठेगा। हाँ। तो दुकानदारों की परेशानी ये है कि कस्टमर नहीं है और इस वजह से वो उधेरबुन में है कि आखिर वो दुकान खोलकर बैठे भी तो आखिर किस लिए बैठे। और कई दुकानदार ये भी कह रहे हैं कि भ्रम की स्थिति है, समझ में नहीं आ रहा है कि कब खोलना है कैसे खोलना है और यही कारण है कि हमें ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतेगा तो सारी चीज़ें साफ होंगी और उसके बाद माहौल भी सामान्य होगा।